जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप यूट्यूब और फेसबुक पे और एप्लीकेशन पे। तो आज का कुछ खास विषय है जो कि हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। 30,000 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो रुक गए हैं उनके पहिए, और यही हिमाचल का भी हाल है। तो हाल ही में हिमाचल में जो है वो सबसे ज्यादा मारोमारी जो पड़ी है वो है पेट्रोल खत्म हो गया है। तो पेट्रोल जो है वो कैसे खत्म हो गया है, जरा इसके बारे में देखें। देख सकते हैं आप कि बहुत सी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो लगी पड़ी हैं, और ये कतारें जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और आज का जो विषय है वो ये है कि ये कतारें बढ़ने से हुआ क्या। पहला ये है कि ये जो पेट्रोल का कि पेट्रोल खत्म है, ये क्यों पेट्रोल पंप पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो है वो तेल खत्म है। तो मैं बता देता हूं क्या है हिट एंड रन कानून और क्यों हो रहा है इसका विरोध। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान दूंगा, और इसके बारे में हम वन बाय वन जो है पूरे पॉइंट्स को देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और गवर्नमेंट के क्या मेन जो है उद्देश्य है, तो उन उद्देश्यों को भी देखेंगे। और यहां पर आप अगर देखें तो भगदड़ बहुत है, ठीक है। तो क्या है हिट एंड रन कानून और क्यों हो रहा है विरोध। देख सकते हैं गाड़ी चालक है और उसने उसको हिट किया है, तो उसको ये दर्शा रहा है हिट एंड रन कानून। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीसी की धारा है के अनुसार हिट एंड रन कानून है क्या। हिट एंड रन कानून का मतलब यह है कि घटनाओं को कवर करने वाला, यानी कि भारतीय कानून है दंड संहिता कानून, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 304A के तहत वर्णित किया है, यानी कि आईपीसी की धारा है 304 में आता है ये हिट एंड रन कानून। तो ये 304 में इसको बताया गया है। क्या बताया है, मौजूदा कानून में आईपीसी की धारा 304A में बोला है जो कोई भी जल्दबाजी यानी कि जल्दबाजी में या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कई लोग लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं और किसी की मृत्यु का जो है वो कारण बनते हैं, और जो गैर इरादन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि वो लापरवाही हुई। कईयों का क्या होता है कि जैसे कि आगे से गाड़ी आई और वो आपस में टकरा गई। अब टकरा गई तो उसमें किसी का इरादा तो था नहीं, पर यह था कि वो जो आने वाला व्यक्ति था, दोनों गाड़ियों का क्या था कि स्पीड पे कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इरादा नहीं है, इरादा नहीं है कि वो उसकी हत्या करना चाहता है, पर उसकी मृत्यु हो जाती है टकराने की वजह से। तो गैर इरादन हत्या की श्रेणी में नहीं है कि इरादा नहीं था उसका, ठीक है जी। उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी कि 2 साल की सजा की जाएगी और कारावास और जुर्माना दोनों की सजा जो है सुनाई जा सकती है, या उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको सजा सुनाई जाएगी या जुर्माना भी दिया जा सकता है। दोनों प्रकार का यह प्रावधान आईपीसी की हिट एंड रन कानून में दिया गया है 304A में। हिट एंड रन मामले में अब तक क्या था कानून, तो क्या था कानून अभी तक हिट एंड रन मामले में, आईपीसी की धारा 279 में लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए अलग से था, 304 में ए में लापरवाही के कारण मौत, 338 में जान जोखिम में डालना के तहत मामला दर्ज किया जाता था, यह जाता है, ठीक है। आरोपी को 2 साल की सजा मिल सकती है, और इसके अलावा किसी खास मामले में आईपीसी की धारा में ही 302 में भी जोड़ी जा सकती है, कुछ अलग कारण होते हैं उनमें ये इसको जोड़ा जा सकता है, नहीं तो वो उसको 338 में जान जोखिम डालने की
पर भी जो है मामला दर्ज करवाया जा सकता है। जैसे कि कोई एक दूसरे को लापरवाही से ठोक देते हैं तो उसमें क्या है, जान जोखिम में उसने मेरी डाली है, तो 338 आएगा। अगर लापरवाही के कारण मौत हो जाती है तो 304A के तहत आता है। ये आईपीसी की धारा 279 के में लापरवाही के कारण चलाने के लिए ये कानून बना हुआ है। हिट एंड नया जो है हिट एंड रन कानून क्या है, तो उसको नए को भी देख लीजिए। नया हिट एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता में, यानी कि BNS, नया नाम आ गया है BNS, भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है, जो कि लापरवाही से मौत का कारण के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति के मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई स्थापित की करती है। जैसे कि अब ही क्या हुआ है कि टैंकर चालक, सिर्फ टैंकर चालकों ने खुद पर ले लिया है, ठीक है, टैंकर चालक भारतीय न्याय संहिता के उस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन से किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल की सजा और 7,00,000 का जुर्माना देने का प्रावधान है। देखिए कि अगर कोई प्रावधान है, क्योंकि पेट्रोल की बात चली है, पेट्रोल क्यों खत्म है, तो ये जो टैंकर चालक हैं, इन्होंने ये मानकर चले हैं कि इन पर भी ये इरादन, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये नया बताता है कि कानून की भैया अगर आप किसी की लापरवाही से आपसे हत्या होती है या मौत होती है तो आप वहां से अगर भाग जाते हैं बिना किसी को बताए तो आपको 10 साल की सजा होगी और 7,00,000 तक का जुर्माने का प्रावधान रखा हुआ है। तो इसका विरोध जो है वो टैंकर चालक जो है वो कर रहे हैं। तो सब सेक्शन जो है इसके, एक सब सेक्शन है 102 और 106(1) और 106(2), ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए सेक्शंस हैं, बहुत ही जरूरी हैं। भारतीय न्याय संहिता में BNS के सबसे सब सेक्शन 106 में क्या कहता है, 106 ये कहता है सेक्शन, और 102 छ का दूसरा जो भाग है वो स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति की घटना के तुरंत बाद, यानी कि व्यक्ति की दुर्घटना हुई और व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट, ठीक है, को लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, यानी कि व्यक्ति ने क्या किया, वहां पर उसकी दुर्घटना हुई और वो वहां से भागा और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाता है या किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जाता है कि भैया मेरे से गलती हुई और मेरे से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, तो वो सेक्शन नंबर 102 में चला जाएगा, यानी कि 106 का दूसरा भाग में चला जाएगा, सब सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, और एक के तहत आरोप लगाया जाएगा, ठीक है, जिसमें 5 साल की सजा होगी उसको, जबकि सेक्शन 102 के तहत जो है, ठीक है, 10 साल की सजा जो है प्रावधान है, और 106 के एक भाग में अभी भी एक जमानती अपराध माना जाएगा और 106 और 2 को जमानती अपराध, गैर जमानती जो है बनाया गया है, यानी कि जब व्यक्ति 102 में जाएगा तो उसमें जमानत नहीं मिलेगी, 106 के पहले भाग में जो है वो जमानत मिल जाएगी, क्योंकि व्यक्ति जो है वो खुद जाकर बता रहा है कि भैया मैंने जो है ये गलत काम कर दिया है या मेरे से गलती से लापरवाही से हुआ है, और वो मैजिस्ट्रेट के पास और पुलिस स्टेशन में जाकर बता रहा है कि भैया ये कार्य हुआ है, तो वो उसको जमानत मिल जाएगी, ये जमानती है, और वो जब भाग जाता है तो गैर जमानती रहेगा, इसलिए उस व्यक्ति को 10 साल की सजा प्लस 7,00,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या बदल गया, सबसे पहले बदल गया, पहले क्या था कि 106(1) में 2 साल की सजा थी, वो 5 साल में बढ़ा दी, पहले क्या थी, 2 साल की सजा थी, जो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 साल कर दिया, और सेक्शन 2 में ये जो 6 का दूसरा भाग है हिट एंड रन में मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान ही किया गया है,
वैसे ही है हिट एंड रन मामले में, क्योंकि ये 10 साल का जो मामला जोड़ा गया है, प्रावधान बढ़ाया गया है 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑब्जर्वेशन के तहत जो है वो लिखा गया है कि उसके ऑब्जर्वेशन में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों, हादसे में किसी व्यक्ति की मौत पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही से मौत होती है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। हिट एंड रन के तहत कानून को लेकर पूरे देश में ट्रक ड्राइवर, ज्यादातर खासकर ट्रक ड्राइवर्स में ही है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स जो है वो रोड जाम कर रहे हैं, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ ट्रक ही नहीं, अब जो है इसके साथ ऑटो वाले, टैक्सी वाले और अन्य वाहन ड्राइवर भी जो हैं वो इस नियम के खिलाफ हो रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भैया ये खिलाफ जाने के लिए कि भैया हम कहां से पैसे भरेंगे, तो उसके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने इसको स्वीकृति मिलने के बाद जो है ये कानून जो है वो बना, जो कि सामान्य रूप से प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू है। ये खास इस वीडियो में याद रखिएगा कि इन सबके ऊपर नहीं है कि ट्रक ड्राइवर हुए, ये ऑटो है, टैक्सी है या अन्य वाहन ड्राइवर है, इन्हीं पर ये कानून लागू नहीं होती है, प्राइवेट गाड़ियों पर भी ये लागू है, याद रखिएगा इस बात को। और हिट एंड रन केस में के नए नियम के अनुसार अगर गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी की भी मौत हो जाती है तो ड्राइवर पुलिस को बिना बताए वहां से फरार हो जाता है तो 10 साल की सजा मिलेगी। याद रखिएगा ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये प्राइवेट गाड़ियों वालों के लिए भी ये प्रावधान है कि अगर लापरवाही की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो 10 साल तक की आपको भी सजा होगी, ये कानून बनाया गया है। नए कानून में किस प्रावधान का हो रहा है विरोध, आपको आइडिया तो लग ही गया है। सरकार ने हिट एंड रन प्रावधान को बेहद सख्त कर दिया है, और कानून में हिट एंड रन में 10 साल की सजा, जो मैंने आपको बताया है, जुर्माने का प्रावधान है। पहले हिट एंड रन में सिर्फ 2 साल की सजा थी और साथ में क्या दिया था, जुर्माना था, ठीक है जी। कई ट्रक ड्राइवर जो हैं इसके कंफ्यूजन में हैं, और कुछ नहीं है, उनमें कंफ्यूजन है, इसलिए वो हड़ताल में हैं, और हड़ताल की वजह से उन्होंने क्या कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है, रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, आम सामान्य जीवन जो है वो अस्त व्यस्त किया है, और पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल पंप भी बंद है, तो पेट्रोल की जो है वो किल्लत पैदा होने लग पड़ी, लोगों ने जो है हबड़ा तबड़ी आ गई कि भैया पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पेट्रोल एडवांस में भरवा लेना चाहिए। तो लोगों ने अपने घर में कैनियां होंगी या वो एडवांस में फुल टंकी भरकर बैठ रहे हैं, और कुछ नहीं है, उस वजह से जो है वो किल्लत पेट्रोल की पड़ गई है। हंगामा क्यों है, आपको ये आइडिया लग गया है कि केंद्र सरकार सख्त नियम सड़क हादसों को पर रोक लगाने के लिए कर रही है, तो सरकार ऐसा करके सबके साथ क्या गलत कर रही है, ठीक है, तो ये ड्राइवरों को लगता है कि ये गलत कर रही है, ठीक है जी। असल में रोड जाम करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि हिट एंड रन, क्योंकि हमें ड्राइवरों का भी प्रावधान देखना है, उनकी साइड भी देखनी चाहिए, कहना है कि प्रावधान के बदलाव में विदेशी तर्ज पर लाया गया है, यानी कि जो विदेशों में होता है उसको देख कर लाए हैं, इसे लाने से पहले विदेशों की तरह बढ़िया सड़क दीजिए, हमें ट्रैफिक के नियम दीजिए, परिवहन व्यवस्था दीजिए पर फोकस करना चाहिए, फिर आप ये कानून लाएं। कानून को लेकर इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने, AMTC ने कहा है कि ये नियम के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं, देश में पहले ही ड्राइवरों की कमी है, ऐसे में ड्राइवर डर जाएंगे और अपना काम छोड़ देंगे। ड्राइवरों को का कहना है नए नियम में 7 लाख का जो जुर्माने का प्रावधान है, इतने रुपए में ड्राइवर कहां से लाए, ड्राइवर के पास पैसा कहां से आएगा, ये ड्राइवरों का डर है, ठीक है। तो क्या है ड्राइवरों की मांग, ड्राइवरों का कहना है कि जब केंद्र सरकार हिट एंड रन
नए प्रावधान को वापस नहीं लेती है तब तक गाड़ियां नहीं चलाएंगे और प्रदर्शन जारी रखेंगे। कई राज्यों में इस प्रकार के से जो है यातायात की परेशानी हो रही है। नए नियम ट्रांसपोर्ट्स कारोबारी का विरोध कर रहे हैं। नए नियम को लेकर ड्राइवर्स में काफी रोष है और उनका कहना है कि हादसे के कारण किसी की भी जान जाती है तो हमेशा ड्राइवर की ही गलती गिनी जाती है। ये कानून पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए, इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। ये है ओरिजिनली जो आपका नया कानून जो कि सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून बनाया गया है। तो ये जानकारी जो है आप सब में शेयर करिएगा अपने दोस्तों में मित्रों में कि ये कानून जो है वो कैसा है, और इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको जानकारी कैसी लगी और क्या ये लापद है या नहीं है ये कानून, ये जरूर कमेंट करिएगा। बने रहिएगा इसी चैनल पर विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन पे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे नई कुछ नई तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।